आपने टीवियों पर सीरियल देखे होंगे, मूवी पिक्चर तो देखी ही होंगे। ये जो पिक्चर बनाने वाले, सीरियल बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, ये सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। पूछो कैसे? आप कोई भी सीरियल उठाकर देखना, कोई भी मूवी उठाकर देखना, उसमें जो सास और जेठानी का जो रोल करती होगी ना, वो भारतीय नारी होती है। बड़ी सी बिंदी लगाई, मांग भरी, साड़ी पहनी, उस नारी को वो ना विलन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लड़ने झगड़ने वाली महिला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और जो लड़की कम कपड़े पहनने वाली होती है उसमें नहीं, उसे वो बड़ी संस्कारी के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि साड़ी पहनने वाली, मांग भरने वाली, बिंदी लगाने वाली महिलाएं ठीक नहीं होती, और इस क्वालिटी की महिलाएं ठीक होती हैं। टीवी सीरियलों में ये चीज़ें कभी नोटिस की आपने? इन बातों को आप नोटिस नहीं करते? आपने कोई भी मूवी उठाकर देख लो, कोई भी सीरियल उठाकर देख लो, उसमें जो खड्डू सास होती है ना, लड़ने वाली सास, वो भारतीय उसका पहनावा होता, साड़ी पहनी, बिंदी लगाई। मतलब टीवी वाले ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जो महिला है वो ऐसी लड़ने वाली होती है, जबकि वो भूल गए कि भारतीय नारी का स्वभाव और भारतीय नारी अलग होती है, उसका नेचर अलग होता है। वो धीर वीर गंभीर होती है, लेकिन पिक्चर में गलत ढंग से प्रस्तुत, सीरियल में गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता। जींस पहनी हुई लड़की है, जरा से कपड़े पे उसको अच्छा दिखाया जाता है कि ये बड़ी संस्कारी है, बड़ा संस्कारी है, और साड़ी वाली को बदनाम किया जाता है। मतलब साड़ी वाली स्त्रियों को बदनाम यदि किसी ने किया है तो सीरियलों ने, मूवियों ने बदनाम किया है। हाँ या ना, कभी गौर से देख लेना, मेरी बात पर यकीन ना हो तो। भारतीय कल्चर को देखो किस तरह से उनने जहर घोला समाज में। ऐसी कितनी पिक्चरें बनाई हैं जिस पिक्चरों में यह दिखाया गया है कि गरीबों को वहां का सेठ, वहां का गांव का मुखिया परेशान कर रहा है, कहीं पंडित परेशान कर रहा है, कहीं वैश्य लूट रहा है, बताया गया। बताओ, माना कि किसी के साथ फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं होता, होता है भाई। आजकल तो आपके बैंक से पैसे निकल जाते हैं, आपसे कोई ओटीपी पूछ लेता है, धोखे से आप बता देते हैं, आपका बैंक खाली हो जाता है। ये फ्रॉड तो आज भी चल रहा है, लेकिन सीरियल में, पिक्चरों में ये बताया जाता है कि व्यक्तिगत ये लोग परेशान करते हैं, ताकि समाज में एक नफरत का वातावरण बने, आपस में लड़ने और लड़ाने की राजनीति। बहुत मीठे मीठे ढंग से ये पिक्चर बनाने वाले घोलते चले आए हैं, और आप लोग आज भी उन्हीं पिक्चरों को देखते हैं जिस पर पिक्चरों में जरूरत से ज्यादा अश्लीलता भरी होती है। आप अश्लीलता देखने के आदि हो गए हैं, इसलिए पिक्चरों में अश्लीलता आने लग गई है। आप खुद अर्ध नग्न नारियों को जो पिक्चरों में आप देखते हैं, जरा से कपड़े पहने, उन्हें अर्ध नग्न ही कहेंगे। उन स्त्रियों को आप ही देखना पसंद करते हैं, इसलिए पिक्चरों में उनके सीन डाले जाते हैं। समाज जो देखना चाहेगी, दिखाने वाले वही तो दिखाएंगे। आपकी भी तो दृष्टि बदल गई, आप भी वही देखना चाहते हैं, इसलिए वो दिखा रहे हैं। क्यों देखना है ये सब? क्यों नहीं अच्छी बातें देखना है? कुसंग क्या है आजकल? आप पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर से बड़ा, मूवी से बड़ा कुसंग नहीं है आज के युग में। आपके मन को अशांत करना हो तो आप कोई भी मूवी देख लीजिए आज के युग की, मन अशांत हो जाएगा। आप किसी भी मूवी को देख के आप मन को बेचैन कर सकते हैं,
कथा सुनने से मन शांत होता है। आज की जो फूहड़ मूवियां हैं इन्हें देख करके मन अशांत होता। कितना मीठा जहर घोल रहे हैं ये लोग, आपस में समाज को लड़ाने का कितना बड़े लेवल का षड्यंत्र रच रहे हैं। हम आपस में लड़ते रहें यही चाहते हैं कुछ लोग। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक ही पिता की संतान है। ब्राह्मण भगवान की संतान, क्षत्रिय भी भगवान की संतान, वैश्य भी भगवान की संतान और शूद्र भी भगवान की संतान है। जब ईश्वर ने भेद नहीं रखा तो हमें और आपको भेद क्यों रखना है? माता शबरी से क्या राम जी ने भेद रखा था? रावण पंडित था और माता शबरी दलित की बेटी है। आज की भाषा में रावण को हम लोग राक्षस कहते हैं और शबरी को हम लोग देवी कहते हैं। यदि जात पात की मान्यता होती तो जाति में तो रावण बड़ा था तो रावण को ही देवता बना लेते। नहीं, रावण जैसे लोग देवता भले ब्राह्मण थे पर गलत थे तो समाज ने उन्हें नकारा है। और यदि शबरी दलित की बेटी थी और गुण अच्छे थे तो लोगों ने पलकों पर बिठाया है। कोई जात पात का भेद नहीं था हमारे देश में। यदि होता तो माता शबरी को इतना सम्मान कहाँ से मिलता? आज राम जी की कथा बिना शबरी के पूरी नहीं होती। बताओ, फिर हमारे वेद पुराणों में कोई जात पात ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। अब तुम अर्थ का अनर्थ कर डालो तो उसमें कोई क्या करेगा? रामचरितमानस में शबरी मां की कथा है। शबरी को कितना सम्मान दिया जाता है, इसलिए लोग ये नहीं देखते कि शबरी मां एक निषाद राज जी हैं। रामायण में एक पात्र आपने सुना होगा निषाद। निषाद भी जंगल में रहने वाले कोल भील हैं। निषाद अपने आप में एक जात होती है। निषाद जंगली लोग होते हैं ये, जो जंगल में, जिन्हें आज की भाषा में हम लोग भील लोग भी कहते हैं। तो निषाद जात के थे। निषाद राज जी, भगवान ने उन्हें गले लगाया है। एक रात उनके कुटिया पर रुके हैं, उनके यहां प्रसादी पाई है राम जी ने। कोई ऊंच नीच का भेद होता तो राम जी क्यों जाते हैं? पर देखो, राम जी पर भी आरोप लोग लगा देते हैं। रामायण जैसे महाग्रंथ पर, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पर लोगों ने उंगलियां खड़ी कर दी कि इस पर तो नारी का अपमान किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नारी देखो, रामचरितमानस में ना कितनी नारियों का जिक्र है, जरा समझिएगा। एक नारी है रामचरितमानस में माता शबरी, एक नारी है रामचरितमानस में माता अनसुईया, एक नारी है रामचरितमानस में माता सीता और एक नारी है सूपनखा। तो सूपनखा जैसी है उसे वैसी ही तो कहा जाएगा, और माता सीता जैसी है उन्हें। तो नारी सीता जैसी भी पाई जाती हैं और सूपनखा जैसी भी, तो सूपनखा जैसियों को सूपनखा कहा जाएगा, सीता जैसियों को, सबको एक ना कह दिया जाएगा, सबको एक कहा जा सकता है? नहीं। तो भाई सूपनखा जैसी नारियों को तुलसीदास जी ने गलत लिखा कि भाई ये तो पापी नारी है। अब अरे, तुलसीदास जी ने नारी को पापी कह दिया, पापी, अरे पगला, किसको कह रहे हैं वो तो समझो। ऊपर नीचे की चौपाई पढ़ो, समझो कि वो किसके लिए कही जा रही है। क्यों जी, सही है? शास्त्रों को समझने की जरूरत होती है, इसलिए शास्त्रों को गुरुजनों से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए।